तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल लाइन है, बुझी समाधि जल सकती है, तूफानों से भी किश्ती निकल सकती है, होकर यू मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी खुल सकती है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए आज हम लोग देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का लीनियर फर्स्ट, यानी कि लीनियर अरेंजमेंट टाइप फर्स्ट, ठीक है, और आसान है। कैसे बनाओगे इस तरह के क्वेश्चन को, जिसको भी सरदर्द होता है ये सवाल देख के, हम उसको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप इसको समझने की पूरी कोशिश करना, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो देखो ये क्वेश्चन आसान नहीं होता, आसान होता ही नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता ये आसान है, इसमें माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन माइंड की ज़रूरत होती है तो, लेकिन सोचें तो कैसे सोचें, वो हमारे लिए मायने रखता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम बताएंगे, सोचने के लिए सीख जाओगे ना तो जल्दी कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रिक लगा दिए बना लिया, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा बोल दे कि ऐसा तुरंत 10 सेकंड में बना सकते हो तो वो आपके साथ गद्दारी कर रहा है, ठीक है, और महज ही बेजोड़ अच्छे तरीके से आपके साथ गद्दारी कर रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना। तो देखो ट्रिक नहीं होता, समझने वाली चीज़ है, समझो और इसमें माइंड आप कितना लगा पाते हो वो आपके लिए मायने रखता है। और मैं वो चीज़ आपको सिखाऊंगा कि सवाल कैसे बनाओगे। सबसे पहली बात, आपको पढ़ना है अच्छे ढंग से। पांच लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में है, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, राधा मीना के बगल में है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, बताएं कि अश्वनी के बगल में कौन बैठी है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन चार ही रहेगा आपका, राधा आशा श्यामा अश्वनी, यही सब चार रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, पहला लाइन पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। पांच लड़कियां हैं, फिलहाल आप बिंदा लगा देते हैं पांच, वो भी नहीं लगाना है, ठीक है। देखो कैसे बनाना है वो सिखाता हूँ। राधा, देखो क्या बोला, राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में बैठा है, बगल में है। तो देखो हम राधा को लिख दिए यहाँ पे, ये हमारा राधा हो गया, ठीक है। और इस राधा को आप इस तरह से बॉक्स में रख देना, ठीक है। ये काम करने से आपको ज़्यादा आपका सटीकता आएगा माइंड में। और इसके बगल में कौन नहीं हो सकता है, तो क्वेश्चन में बोला है ना तो राधा, ना तो आशा और ना ही श्यामा, तो इसके बगल में आशा और श्यामा नहीं हो सकता, तो आशा और श्यामा इसको बगल के यहाँ पे ऐसे लिख देना है और इसको ऐसे कट कर देना है, ठीक है। और इसके बगल में भी आपको आशा और श्यामा लिख के कट कर देना है। क्योंकि ऐसा कट, क्योंकि इसके बगल में नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में साफ साफ लफ्जों में लिखा है, राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है, राधा ना तो आशा और श्यामा के बगल में नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर जो बैठेगा जो भी व्यक्ति, वो हमारा आशा और श्यामा नहीं हो सकती है और यहाँ पर भी नहीं हो सकती है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है। अब यहाँ पे बोल दिया अश्वनी जो है ना श्यामा के बगल में नहीं है, इसका मतलब अगर ये श्यामा है हमारा, श्यामा के बगल में अश्वनी नहीं हो सकती है, ये भी आपको लिख के ऐसे कट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है राधा मीना के बगल में, अब देखो राधा मीना के बगल में, तो राधा यहाँ, तो मीना यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी मीना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आगे लाइन बढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि क्या करना है, तो मीना इधर लिखना है किधर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, तो मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। अब देखो पंक्ति में पाँच आदमी है, बीच बना सकते हैं, एक दो तीन, किधर ले लें, उधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो अगर हम इधर एक घर ले लें, अगर हम इधर एक घर ले लें तो ये चार हो जाएगा, और एक घर इधर ले लें तो ये हमारा पाँच हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो बीच में ये मिल गया, अब हम कहेंगे नहीं इधर हम नहीं लेंगे। अगर मान लिया था आप कहो तो कहते हो कि इधर हम नहीं लें उधर लें, तो उधर भी ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक घर दे दिए और एक घर यहाँ बना दिए, तो ये हमारा बीच हो गया। अब देखो ध्यान से, एक दो तीन चार पाँच, अब बीच में कौन बैठेगी, मीना पंक्ति में बीच में है, बोल रहा है ठीक बीच में, तो यहाँ पर मीना बैठा दिए। और पीछे का लाइन पढ़ो, देखो क्या बोला था, राधा मीना के बगल में, राधा मीना के बगल में हो गया। अब देखो अश्वनी जो है ना श्यामा के बगल में नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ श्यामा बैठा देंगे और यहाँ पर अश्वनी बैठा देंगे तो हम बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं अश्वनी को। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ अश्वनी बैठा दिए, अश्विनी,
ठीक है यहाँ बैठा दिए। और इधर में जो बोला था राधा और श्यामा, इन्हें आशा और श्यामा यहाँ बैठा दिया, आशा और श्यामा कहीं से भी बैठा होगा। यहाँ पे ये वाला लाइन का कोई चर्चा ठीक से नहीं किया, आशा श्यामा का कोई शर्त ही नहीं दिया। ठीक है अब लास्ट का क्वेश्चन पढ़ो, बताएं कि अश्वनी के बगल में कौन बैठी है, तो अश्वनी के बगल में कौन बैठी है, राधा बैठी है ना। अब देखो अगर आप कहते कि नहीं हमको बीच इधर ना करना होता, इधर करना होता, तो भी आपका बनता, आप करके देखना बनेगा। मैं पाँच मिनट का वीडियो रहा, कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर आपको कहोगे तो एक बार और समझा देता हूँ, देखो एक बार समझा देता हूँ अच्छे ढंग से, ठीक है फिर से बताता हूँ क्या करना इस तरह के क्वेश्चन में, कि आपको सोचना ये है कि पहला लाइन राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में है, तो आप आराम से राधा लिख देना और इस तरह से बॉक्स बना लेना, और इधर लिख देना श्यामा, हल्का सा लिखना, रफली लिखना जो कि आपको समझ में आता है, इसको कट कर देना, और इधर भी उस तरह कट कर देना, मैंने ये चीज़ यहाँ पे आ गया, आप लिख सकते हो ए एस एच ए भी लिख सकते हो और श्यामा भी लिख सकते हो, ठीक है ये कट कर दिए, हम जान गए कि दोनों में इधर तो ये बैठेगा नहीं। अब आगे बढ़ो, अब देखो कहता है क्या कि अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, अश्वनी जो है श्यामा के बगल में नहीं, श्यामा यहाँ ना अश्वनी ऐसे डाल देना, ठीक है उतना उधर उधर नहीं लिखना, आप बगल में भी कर सकते हो श्यामा ऐसे लिख के और ऐसे अश्वनी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ये कट कर दिए। अब हम समझ गए कि श्यामा अश्वनी के बगल में नहीं बैठेगा, ठीक है अब देखो श्यामा ऐसा यहाँ नहीं बैठेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि राधा मीना के बगल में, अब देखो राधा जो मीना के बगल में, या तो इधर मीना बैठेगी, लेकिन मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, तो पंक्ति के ठीक बीच में, चलो अब उस बार उधर के थे इधर करते हैं, बीच कर देते हैं, एक दो तीन चार और पाँच, यानी कि पांच घर बना दिए और मीना को यहाँ लिख दिए, पंक्ति के बीच में हो गया, वो तो हमको क्लू देगा ही आंसर निकालने का, यहाँ मीना दे दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे क्या कि आशा और श्यामा जो है राधा के बगल में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मेरा श्यामा नहीं हो सकता, यहाँ पे श्यामा नहीं हो सकता, और श्यामा के बगल में अश्वनी नहीं हो सकता, तो अश्वनी यहाँ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब अश्वनी को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब आशा और श्यामा को यहाँ पे डाल दो, क्या दिक्कत है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, हमको कोई शर्त नहीं है, ऐसा नहीं बोला है कि मीना के बगल में श्यामा नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला है कहीं, तो नहीं बोला है तो बैठ गया। अब लास्ट में देखो क्या कहता है, अश्वनी के बगल में कौन बैठी है, तो अश्वनी के बगल में कौन बैठी है, राधा बैठी है, तो राधा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का अगर चार ऑप्शन में यही नाम रहेगा और राधा आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियो इसी तरह से मैं लेते आऊँगा, और लीनियर अरेंजमेंट के बाद आपका सर्कुलर अरेंजमेंट हर टाइप के क्वेश्चन को बताऊँगा, और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, अगर कोई आपको ट्रिक बता देगा कि नहीं इस ट्रिक से बन जाता है तो वो आपके साथ दिक्कत कर रहा है, क्योंकि यहां पे माइंड की जरूरत है, और आपका माइंड कितना अच्छा है वो मायने रखता है सोचने में, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए आपका एग्जाम में बनेगा। तो चलिए अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे हर एक चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। इसका अगला पार्ट लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए या फिर आई बटन चेक कीजिए, वहाँ पर मैं इसका अगला पार्ट दे दूँगा। गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ हूँ, और इसका मैट लीनियर अरेंजमेंट का सेकंड टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहले मैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताया था, जिसमें एक रैखिक में कैसे व्यक्ति को बैठाना होता है, अरेंज करना होता है, वो चीज़ मैं बताया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक होगा, या फिर आई बटन चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से देख लेना। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना नहीं भूलेंगे, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो देखो इसको आसानी से आप सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, अभी अगर आपका एनटीपीसी एग्जाम हो, या फिर आपका रेलवे में ग्रुप डी हो, या फिर बैंक हो, या फिर आपका एसएससी हो, या फिर झारखंड एसएससी हो, या फिर बीएसएससी हो, कोई भी एग्जाम है, कोई भी राज्य स्तरीय एग्जाम हो, वहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहली बात पढ़ना है और पता करना क्या कहा गया क्वेश्चन में। छह व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू दो कतारों में है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कतार की बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रत्येक कतार में तीन एक दूसरे के आमने सामने निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं। अब देखो हर कतार में तीन ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से अगर रैखिक बना लेते हैं, दो कतार लगा देते हैं, तो वो भी एक तरीका सही है। दूसरा तरीका कि अगर आप यहाँ पर एक व्यक्ति का सीट इस तरह बना देते हैं बॉक्स में, तो ये भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी करने से आपका बन जाएगा। और आप क्या करेंगे, तीन बिंदा भी इस तरह से दे सकते हैं और बैठा सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। तो चलिए हम लोग बॉक्स में बनाएंगे, इससे क्या होगा आपको समझने में काफ़ी आसान लगेगा, और आपको
क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम क्या बताएंगे, अब देखिए पहला लाइन को पढ़ना है और इसमें पुट करना है, लेकिन सबसे पहली बात इसमें जानना क्या है वो चीज़ बता देता हूँ। जब आप इस कतार की बात कर रहे हैं तो इसका मुंह जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी कि जिसको हम उत्तर बोल सकते हैं। जब वो नॉर्थ की तरफ रहेगा तो आप खुद अपने आप सोचना कि जब हम यहाँ पर बैठेंगे और उधर मुँह करके बैठेंगे तो मेरा दायां और बायां किधर होगा, तो दायां मेरा उधर होगा यानी कि इधर मेरा दायां हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा राइट किसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है, और इधर मेरा बायां हो जाएगा। अपने हाथ के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से कर सकते हैं इसको, इधर लेफ्ट हो जाएगा। अब उधर अगर ऊपर की बात करें तो अगर हम ऊपर में बैठेंगे जब हम खुद घूम जा रहे हैं तो इधर मेरा कौन सा हाथ हो रहा है, बायां हो रहा है, और मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ, दायां हाथ से लिख रहा हूँ, इधर दायां हो रहा है, इसका मतलब इधर मेरा क्या हो जाएगा, बायां यानी कि लेफ्ट, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका दायां यानी कि हो जाएगा राइट, यानी कि जस्ट उल्टा, नीचे वाला का जस्ट उल्टा कर देना, जिधर दायां तो उधर बायां कर देना और जिधर बायां तो उधर दायां कर देना। अब क्या करना है, पहला लाइन पढ़ना, यू आर के दाई और दूसरा है। अब कहोगे कि किस पंक्ति में बैठा है, इसमें बैठा है, किस में बैठा है, किसी में बैठा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अब यू जो है ना आर के दाई और दूसरा है, आर के दाई और दूसरा, तो आर कहाँ दें, यहाँ अगर देते हैं तो पहला दूसरा यहाँ यू बैठेगा, ठीक है, क्योंकि आर के दाएं, हाँ इस लाइन में अगर देंगे तो आर का दाहिना किधर होगा, अब बताओ दाएं तो इधर हो रहा है, यानी कि हम उधर जा रहे हैं तो उधर बायां हो रहा है, इधर दाएं, यानी कि आर के दाएं यहाँ बैठना होगा, उधर जाना होगा, ठीक है, ये समझना होगा। तो आप नीचे ही बैठा हो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखो क्या करना है, क्योंकि आपका अकॉर्डिंग चलने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यू हाथ के अनुसार, यू जो है ना आर के दाएं और दूसरा है, तो देखो यू जो है आर, यहाँ पे आर बैठा दिए, और यू जो है आर के दाहिने, तो देखो दायां इधर से लेना है, दायां क्या कहता है, इधर से लेने, बायां इधर से लेने, दायां इधर से लेने, बायां इधर से लेने, ऐसा कहता है। तो दायां आर के दाएं पहला, दूसरा कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, पहला लाइन का काम हो गया। दूसरा लाइन पढ़ेंगे, पी कतार में सबसे अंतिम है। अब देखो पी जो कतार में, ना तो यहाँ बैठा सकते हैं ना यहाँ बैठा सकते हैं, तो पी कहाँ बैठेगा, हो सकता है यहाँ बैठ जाए, हो सकता है यहाँ बैठ जाए, इस तरह से आप हल्का सा लिख देंगे, ऊपर में बैठाना नहीं है। जब आप कन्फर्म नहीं है ना, तो ना तो यहाँ बैठा सकते हैं ना यहाँ बैठा सकते हैं, अभी फिलहाल आगे बढ़िए। टी क्यू का पड़ोसी है, अभी भी बोल रहा है टी जो है ना क्यू का पड़ोसी, ये भी कहीं पर आप लिख सकते हैं, जो टी जो बैठेगा क्यू का पड़ोसी है, यानी कि क्यू के साथ में बैठेगा, आगे बढ़िए। अब कहता है आर क्यू के सामने, देखो एक लाइन यहाँ पर मिला हमको, आर क्यू के सामने है, देखो यहाँ आर है ना, तो आर के सामने क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो गया। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे पी बैठने वाला था, यहाँ पे भी सोच लेते यहाँ बैठा कि यहाँ बैठा, तो ऑलरेडी यहाँ पे जब पी नहीं हुआ तो यहाँ पे पी हो जाएगा, ये हो गया। और हम लिखे थे टी क्यू का पड़ोसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है टी क्यू का पड़ोसी है, इसका मतलब टी कहाँ हो जाएगा, टी क्यू जब यहाँ हुआ तो यहाँ टी हो जाएगा। अब छह व्यक्ति में से कौन बचा हुआ है, एस बचा हुआ है, यहाँ पे एस हो गया। अब यहाँ पे सवाल करता है तो बताएं कि कौन सा एक कतार में, तो कौन सा एक कतार में, पी क्यू यू, देखिए यहाँ पे पी टी क्यू है, नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए टी क्यू पी, तो ध्यान से देखो टी क्यू पी एक कतार में, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है वो बोल देता कि टी के सामने कौन बैठा है, तो आपका आंसर हो जाता है एस। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ दे क्यू के विकर्ण कौन बैठा है, तो क्यू के विकर्ण बैठा है यू। हो सकता है आपसे वो पूछ दे पी के विकर्ण कौन बैठा है, तो आर बैठा है, इस तरह से आर के विकर्ण पी बैठा है, यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से हो सकता है बोलते थे दोनों पंक्तियों की सही क्रम क्या है, तो आप बताते पी टी क्यू पहला पंक्ति का, दूसरा का यू ऐसा, ठीक है, दोनों इस तरह से ऑप्शन वाला, वो ऑप्शन नहीं कि एग्जामिनर ऑप्शन किसी भी तरह से दे सकता है। आपको इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस रखना होगा। फिलहाल मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, और हर टाइप का क्वेश्चन बताने के बाद एक्सरसाइज में जब अच्छे से कराऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी छोटा छोटा वीडियो रीजनिंग का दे रहा हूँ, आप देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन अगर कहीं मिले तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व होगा। तो हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए पूरा पूरा धन्यवाद, और अगर आपने नहीं देखा चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू यहाँ तक। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास का जो पार्ट होगा यहाँ से सर्कुलर यानी कि सर्किल वाला अरेंजमेंट बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो और बहुत आसान होता है, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर आई बटन पे लिंक दूंगा सर्किल वाला का, वहाँ से जरूर देखना, बहुत मजा आएगा उसमें, और वो कैसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा।
हम यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन को लेकर आए हैं टाइप थर्ड। इससे पहले टाइप वन और टाइप टू मैं बता दिया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लो, पूरी तरह से अच्छे से बताया गया है। दोनों टाइप को देख लो, आपका कोई भी एग्जाम है वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन कोई नॉर्मल नहीं होता। ऐसा मत सोचना कि कोई एक ट्रिक दे देंगे आसानी से बन जाएगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा और बराबर लगातार प्रैक्टिस करके एग्जाम देने के लिए जाना होगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिए और एग्जाम देने चले गए और वहां सोचेंगे बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब भी एग्जाम रहे उससे पहले इसको पढ़ लेना, देख लेना मेरा वीडियो और प्रैक्टिस करके रखना इसको। बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, फिलहाल अभी एक छोटा क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, कैसे सॉल्व करोगे सीटिंग अरेंजमेंट का। देखो सिंपल क्वेश्चन तो नहीं कहा जाएगा इसको, लेकिन सीखने के लिए आपको थोड़ा सा हमारे साथ बने रहना होगा। ज्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा और आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एच तक बोला है और केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार वृत्त के चारों ओर बैठा है। तो सबसे पहले आपको ना एक वृत्त बनाना पड़ेगा, या वृत्त बना लिए और इसके चारों ओर व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। इसके चारों ओर हमको व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा, और कैसे बैठाना होगा, तो एक बैठेगा यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार, पाँच, छ, सात, आठ, यानी कि एक मिडिल पॉइंट ले लिए इसका सभी का और आठों को अच्छे से बैठा दिए। अब रही बात कि इसका दायर बाएं लेना पड़ता है, दायर बाएं कैसे लेंगे वो समझो। आप सोचना कि हम इस ऊपर शिखर पे बैठेंगे और केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे, तो मेरा दायां किधर हो जाएगा और बायां किधर हो जाएगा। तो देखो इधर मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा बायां हो रहा है और इधर दायां हो रहा है, ये मेरा लेफ्ट हो रहा है, ये राइट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिधर मेरा दायां हाथ है उधर हमको क्या लेना है, बायां लेना है। इधर हम बाएं ले लेंगे और इसको लेफ्ट बोलेंगे इंग्लिश में, और इधर मेरा दायां हो जाएगा, इसको बोलेंगे राइट, ठीक है। ये तो आपको पता हो गया। अब इसी में आठों में, यानी कि आठों को बैठाना है, लेकिन कैसे बैठाना, पढ़ के अच्छे से बैठाना है। और देखो यहाँ पर क्या करना, जहाँ पे कोमा रहे ना उस पर ज़्यादा जोर देना, ठीक है। ए, देखो क्या बोल रहे हैं, ए एच के दाएं को चौथा, एच के दाएं को चौथा, कौन, ए एच के दाएं, एच वाले लिख लो, एच कहाँ ही लिख देते, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एच लिख दिए। अब इसे एच के दाएं, दाएं किधर जाने बोल रहा है, इधर इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन होगा, ए, क्लियर है, आगे बढ़ो, चौथा। और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यही ए, ठीक है। ए एच के दाएं को कितना स्थान, चौथा, और एफ के बाएं दूसरा स्थान। अब देखो अगर यहाँ एफ लोगे तो पहला दूसरा बायां इधर जाना होगा ना, तो पहला दूसरा ले नहीं पाओगे, अगर यहाँ लोगे तो इधर दायां हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, एफ, और देखो एफ के बाएं, बाएं माने इधर जाने बोल रहा है, ऐसे जाने बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज, इसको एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक अपने घड़ी किस भी दिशा में। अगर देखो अगर बाएं जा रहे हैं तो दूसरा, पहला, दूसरा, ए बैठा है, ये एक लाइन मेरा सारा चीज़ हम बैठा दिए, यहां तक तो आप इजीली बैठा लेते हो, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो जाएगा। अगला लाइन में तुमको कैसे दिक्कत होगा ये समझना, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, सी जो है ना एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एफ के बगल में सी नहीं बैठेगा और बी के भी बगल में सी नहीं बैठेगा, ये बोल रहा है मतलब। तो एफ यहाँ, तो इसके बगल में सी नहीं बैठेगा, यहां सी लिख देना और ऐसे कट कर देना, और यहां पर भी सी लिख देना, ऐसे कट कर देना, ठीक, ये काम आपको साइड में इधर कर देना, ठीक। और आगे बी का भी पड़ोसी नहीं है, और बी कहीं साइड में यहाँ पे लिख लेना, बी के बगल में से सी लिख देना और ऐसे भी सी लिख देना, और इसको भी कट और इसको भी कट कर देना, बी के दोनों तरफ में सी नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी सी के दाएं को तीसरा बैठा है, देखो क्या बोला है, डी सी के दाएं को तीसरा बैठा है, सी को बैठाना, इधर इधर बैठा नहीं सकते हैं, इधर बैठाएंगे, अगर यहाँ बैठाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ हो नहीं सकता है दाएं में, यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, यहाँ बैठा दिए। सी के दाएं, दाएं का मतलब इधर जाना है, पहला दूसरा तीसरा कौन बैठेगा, यहाँ, यहाँ डी बैठेगा, बैठा दिया, यहाँ सी नहीं बैठना, डी बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि यहाँ सी नहीं बैठेगा और यहाँ पर भी सी नहीं बैठेगा, तो यहाँ तो हम डी बैठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ध्यान से, आगे बोला है कि नहीं बैठा है, अब देखो डी सी, ये हमारा यहाँ तक तो कवर हो गया। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, एच को बैठाना है लेकिन कभी भी जी का अगला स्थान पर नहीं बैठाना है, एच को बैठाओ लेकिन जी का अगला स्थान पर नहीं, यानी कि एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा, यानी कि यहां पर जी नहीं बैठ सकता है
और यहाँ पर भी जी नहीं बस गए, हमने अगल बगल में एच के अगल बगल में जी नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि बोला है एच कभी भी, एच जो है ना कभी भी जी के अगले स्थान पर, जी का अगला स्थान ये हो जाएगा, जी का अगला स्थान ये हो जाएगा, नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठाएंगे जी को, यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मेरा कोई नहीं है। अब देखो सी को यहाँ नहीं बैठा सकते, सी को हम यहाँ बैठा दिए, ठीक, जी को भी यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ बैठा दिए। अब आगे पढ़ो, अब पीछे जो छोड़े हुए एक लाइन वो पढ़ लो, सी जो है ना एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, सी जो है देख लो सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, तो सी के बगल में तो एफ नहीं है, यहाँ पर भी एफ नहीं है तो यहाँ एफ है, और बी का भी पड़ोसी नहीं है, देखो बी अभी तक नहीं बैठा है, सी के बगल में यहाँ बी हम नहीं बैठा सकते क्योंकि पड़ोसी नहीं है, सी के बगल में बी नहीं बैठा सकते हो, यहाँ पे गलत हो जाएगा अगर यहाँ बैठाओगे तो, यहाँ बैठा दो ना बी को, यहाँ तो सी और जी नहीं रहना चाहिए था तो बी बैठा दिए। अब क्या बच गया आपका, देखो आठ में से ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, डी ले लिए, ई अभी तक तो लिए ही नहीं है, ई यहाँ बैठा दिए। मेरा तैयार हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें बोला क्या गया है कि आपको लास्ट में बोलेगा देखो बताएं कि बी और डी के बीच कौन बैठा है, तो बी और डी कहाँ है, ध्यान से देखो बी यहाँ है, यहाँ डी है, और इसके बीच में कौन है, एफ है ना, तो एफ है, तो मेरा आंसर एफ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं मानना कि एक ही क्वेश्चन पूछेगा, बैंक का एग्जाम दोगे तो वहाँ पाँच क्वेश्चन पूछता है, पाँच नंबर मिलता है यहाँ से, अगर ये प्रैक्टिस करके रखोगे तो बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर। दूसरी बात, अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और एसएससी में जाते हैं तो एक नंबर में कभी कभी पूछता है, रेलवे भी पूछने लगा है, रेलवे में भी देता है, ठीक है, और इधर पुलिस आर्मी फोर्स ये सब में, पुलिस में ज़्यादा पूछता है, झारखंड एसएससी का एग्जाम हो सकता है रीजनिंग से ये क्वेश्चन दे दे, हो सकता है बिहार एसएससी दे दे, यूपीएसएससी दे दे, कहीं भी दे दे, तो आपको थोड़ा सा इसको जानकारी रखना है, प्रैक्टिस रखना है एक बार में, हाँ बनाने के बाद अगर आप इसको चाहते हो कि एक बार हम फिर से रिविजन करें सही है कि नहीं पता करना चाहते हो तो एक बार बता देता हूँ, देखो ध्यान से ए एच के, पहले सब मैं साफ कर देता हूँ, ये सब आपका जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या कहता है, ए एच के दाएं को चौथे, देखो ए जो है ना एच के दाएं, दाएं इधर जाना, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ के बाएं दूसरा स्थान पर पहला दूसरा बैठा है, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, सी जो है ना, सी जो है ना एफ और बी का पड़ोसी, देखो सी के बगल में एफ नहीं है और बी का भी पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो बगल में बी नहीं है, ठीक है, बी के बगल में सी नहीं है, बी के बगल में सी नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं, डी सी के दाएं को तीसरा बैठा है, डी डी देखो ना सी के दाएं, दाएं का मतलब इधर, इधर तीर देने का मतलब इधर से जाना, इधर पहला दूसरा तीसरा बैठा है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, एच कभी भी, देखो एच जो यहाँ बैठा है कभी भी किसका, जी का, तो इधर बगल में जी नहीं है, इधर भी बगल में जी नहीं है, तो सही तो है, बिल्कुल सही लिखे हैं। अब कहता है तो बताएं कि बी और डी के बीच कौन बैठा है, तो बी और डी के बीच एफ बैठा है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता था आपको कि ए के दाएं कौन है, ए के बाएं कौन है, ए के दाएं दूसरा कौन है, सी के बाएं तीसरा कौन है, अगर बोलता सी के बाएं तीसरा तो बाएं इधर जाते, पहला दूसरा तीसरा, ये मेरा आंसर होता। अगर पूछता आपको कि बी और ई के बीच में कौन है तो एच हो जाता, तो क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका कुछ भी रह सकता है, आपको परेशान नहीं होना है, बन जाएगा आपसे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। कैसा लगा कॉमेंट जरूर करना, और इसका अगला पार्ट के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करना या फिर आई बटन का चेक करो, वहां पर मैं लिंक दूंगा, वहां से आप देखना, बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा, या स्क्रीन पर भी आएगा वो भी आप टच करके जा सकते हो अगले पार्ट में, क्लियर है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का हम लोग टाइप थर्ड जान गए, अब टाइप फोर में इसका आगे की पार्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से मैं क्लियर करूंगा, और हर टाइप का पढ़ाने के बाद आपका जो है इसके, देखो ये तो एक नॉर्मल से सवाल आया, कैसे आपको सीखना चाहिए, जिसका भी सीटिंग अरेंजमेंट मजबूत नहीं है, धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहो, आपका सारा सीटिंग अरेंजमेंट का टोटल क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर देना, लाइक बटन है तो उसको जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप फोर देखेंगे, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि इंडिया के किसी कोने पर आपसे कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उस समय कोई ना कोई पढ़ रहा है, और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वह जीत जाएगा, इसलिए अपने आप को, खुद को मोटिवेट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। टाइप फोर की बात करते हैं हम लोग रीजनिंग का, सीटिंग अरेंजमेंट का, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिए, दो महिला और दो पुरुष, ठीक है, एक ताश का खेल खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर चार व्यक्तियों की बात कर रहा है, दो महिला और दो पुरुष, लेकिन हाँ टाइप फोर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इससे पहले आपको देखो टाइप वाइज हम पढ़ा रहे हैं, तो टाइप फोर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वन टू थ्री आपका हो चुका है, और वो आपको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक से प्रयोग करके देख लेना, काम करेगा आपके एग्जाम में, या फिर आई बटन पे दे रहा हूँ वहाँ से देख लेना, सभी पार्ट को शुरू से अरेंज से देखते जाओ, कॉपी में नोट करते जाओ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है और बहुत आसान होता है। एक्चुअली
स्टूडेंट इस तरह के सवाल को देखकर बहुत डर जाता है, लगता है क्या नहीं बना पाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत आसान होता है। प्रैक्टिस कर लो, एक बार बना लो, देखो कितना आसानी से बनेगा। अब देखो, दो महिला और दो पुरुष की बात कर रहा है, ताश खेल रहा है, ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर उत्तर में दक्षिण में पूर्व और पश्चिम, चार दिशा ही होता है, दिशा में बैठे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है, कोई भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है, एक दूसरे के विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठे हैं वह समान लिंग सेक्स के नहीं है, मतलब आमने सामने जो भी बैठे हैं ना वो समान लिंग का नहीं होगा, नहीं स्त्री स्त्री नहीं होगा और पुरुष पुरुष नहीं होगा, वही बोल रहा है। अब देखो आगे, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, बताए कि महिला का मुंह किस दिशा में। अब महिला का मुंह किस दिशा में, चार ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहली बात, आप क्या करना, आप अगर मान लीजिए चार आदमी को बैठाना है तो इस तरह से आप एक वर्ग भी बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा बना लेना। एक आदमी को यहाँ बैठाना है, एक को यहाँ, या एक को यहाँ, एक को यहाँ, ठीक है, ऐसा बोला है। अब पढ़ते जाना, देखो यहाँ तक तो ठीक था, दिशा में है बैठा है, कोई भी महिला का मुँह पूर्व की ओर नहीं है, अब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञान का जरूरत है। तो सबसे पहली बात आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, इधर की दिशा जो होगी ना ये आपका पूर्व हो जाएगा, इधर की दिशा आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपको समझना है, और ये दिशा आपका उत्तर हो जाएगा और ये दिशा आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपको समझना है। अब देखो, पूर्व को ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं और इसको नॉर्थ बोलते हैं, आप ये भी समझ सकते हो जिसको इंग्लिश से समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमको चारों को बैठाना है, क्या आप कोशिश करोगे, अगर आप कोशिश करते हो तो आप बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान क्वेश्चन है। आपको कैसे बैठाना है देखो, आगे कहता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ से देखो, कोई भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है, पूर्व किधर है ध्यान से समझो, इधर मेरा पूर्व है, ठीक है, इधर मेरा पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है, आपको समझा रहे हैं बहुत अच्छे से, ध्यान से देखो, कोई भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है, इसका मतलब महिला यहाँ नहीं बैठेगी। तो आप क्या करना, यहाँ पर ऐसे महिला हल्का सा लिखना, हल्का सा लिख लेना और ऐसे गोल घेरा करके काट देना, यानी कि उस महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं होगा, उधर नहीं होगा, तीर दे दिए इधर उधर नहीं हो सकता, ऐसा इंडिकेट किया। आगे बढ़ो, वे समान लिंग के नहीं, अब यहाँ पे देखो कहता है एक दूसरे के विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग का नहीं, एक दूसरे के विपरीत जो भी बैठेगा ना समान लिंग का नहीं बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कहता है एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, देखिए यहां से एक लिंक मिला हमको, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, दक्षिण इधर किधर, उत्तर, अगर मान लिया दक्षिण की ओर है, दक्षिण देखेगा तो यहां दक्षिण है तो उधर बैठना होगा, इधर देखना होगा, दक्षिण की ओर है तो इसका मतलब वो पुरुष कहां हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, हम यहां पर एक पुरुष लिख दिए। अब एक लाइन यहां पर पढ़े थे कि जो वो सब बैठे ना समान लिंग के नहीं है, ठीक है, यानी कि विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं है, तो अगर यहाँ पुरुष है तो यहाँ कौन होगा, समान लिंग का नहीं होगा, यानी कि यहाँ पुरुष है तो यहाँ पुरुष नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका स्त्री, क्लियर है। अगर यहाँ पर पुरुष है तो यहाँ स्त्री होगा, क्योंकि आमने सामने जो बैठेगा वो समान लिंग का नहीं होगा। अब इधर बोले हैं कि महिला उधर नहीं देख सकती है, पूर्व की ओर यहाँ पे काट कट किया है, तो इसका मतलब महिला पश्चिम देख सकती है, यानी कि यहाँ महिला देख सकते हैं, इस दिशा में महिला देख सकते हैं, इसका मतलब अगर इधर महिला देख सकती है इधर देख सकती है तो इसका मतलब यहाँ तब कौन होगा, समान लिंग का नहीं होगा सामने, तो महिला तो इधर कौन हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लास्ट में कहा गया है कि पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, तो बताएं कि देखो महिला का मुंह किस दिशा की ओर है, महिला का मुंह, तो महिला कहाँ कहाँ आया, तो एक महिला यहाँ आया, ये किधर देख रही है, तो ये देख रही है पश्चिम, एक महिला यहाँ आया, स्त्री मतलब महिला वही हो गया, और वो किधर देख रहे हैं, उत्तर को, यानी कि ये देख रहे हैं पश्चिम और ये देख रहे हैं उत्तर, तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आसान क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से बताता हूँ दूसरे तरीका से, देखो अगर हम इसको बॉक्स ना बनाएं और हम इस तरह से सोचें कि ठीक है एक इधर बैठेगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो क्या ऐसे नहीं बैठेगा, ऐसे भी तो बैठा सकते हैं। तो देखो अगर आमने सामने मेरा स्त्री और पुरुष हो रहा है, यानी कि समान लिंग का नहीं हो रहा है, और यहाँ पे बोला क्या है, एक लाइन आपको बोला था कि देखो ध्यान से लास्ट लाइन पढ़ो कि पुरुष का मुँह दक्षिण की ओर है, ठीक है, तो दक्षिण किधर होता है, इधर होता है, तो नीचे देखेगा, यानी कि यहाँ पे पुरुष हो जाएगा। अब अगर यहाँ पुरुष हो गया तो उसके सामने कौन होगा, महिला, क्योंकि समान लिंग का नहीं है,
और अभी जस्ट बताए थे कि आपको बोला गया था कि यहाँ पे देखो कोई भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है, तो पूरब किधर है? उधर। तो इधर महिला का मुंह यानी कि उस तरफ नहीं होगा, तो इसका मतलब इधर हो सकता है महिला, तो पश्चिम की ओर हो सकता है। और इधर अगर महिला हो गया तो इधर क्या हो जाएगा? पुरुष। अब क्या क्वेश्चन में कहता है लास्ट में, बताया कि महिला का मुंह किस दिशा की ओर है? तो महिला का मुंह देखो एक ध्यान से, ये महिला का मुंह किधर है? किधर? इधर। इधर पश्चिम हो रहा है तो इधर पश्चिम हो गया, और ये महिला का मुंह किधर है? उत्तर हो गया, तो उत्तर हो गया, तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर होगा। तो ऐसे बनाया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। टाइप फोर आपका क्लियर हो गया। टाइप फाइव का आपका जो हेक्सागन वाला होगा, षष्ठभुज वाला होगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। हर टाइप के क्वेश्चन को देखने के बाद आपको जो भी बुक वगैरह मैं बताऊँगा, सजेस्ट करूँगा या फिर जो भी क्वेश्चन लाऊंगा, आप आसानी से बना पाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको। तो यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। गुड बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप फाइव हेक्सागोनल सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन, बहुत आसान होता है, लेकिन जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कैसे एग्जाम में सॉल्व करना। आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे वो झारखंड SSC हो, BR SSC हो, NTPC रेलवे हो, या फिर कोई भी एग्जाम देने जाते हैं आप कंपटीशन का, वहां पर ये क्वेश्चन आपको, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछ देंगे तो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं रखते हैं तो नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप हमारे से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कोई भी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से हर टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। और आपको प्लेलिस्ट में मैथ की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में, इसका डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक रहेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये टाइप 5 चल रहा है हेक्सागोनल सीक्वेंस का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो समझते हैं कैसे बनाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक समिति में 6 सदस्य हैं, जिनमें 3 पुरुष एडवर्ड देवेश भूपेन तथा 3 महिलाएं अमिता चंदा तथा फरीदा एक षटकोणीय टेबल के कोण पर इस प्रकार बैठे हैं। षटकोणीय टेबल, 6 भुजा वाला टेबल बनाना पड़ेगा हमको। तो कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से आप षटकोणीय टेबल तैयार कर लेना। ये हमारा षटकोणीय टेबल हो गया, यानी कि देखिए इसमें 6 भुजा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। अब इसमें क्या करोगे, आपको इसमें सभी को बैठाना पड़ेगा अच्छे ढंग से। सभी को मतलब किसको किसको, तो सभी लड़के को और लड़कियां को, क्लियर है। अब कैसे बैठाएंगे वो समझिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहला लाइन पढ़ेंगे और जो समझ में आएगा इसमें ड्रॉ करेंगे। एक को यहाँ करेंगे, एक को यहाँ करेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, ठीक है। और इसमें चर्चा जिसका भी होगा, जैसे कि मान लिया जाए कोई भी पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा, ये हमको इंट्रोडक्शन दिया, एक निर्देश दिया, ठीक है। बताया कि कोई भी पुरुष जो है ना एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेंगे, मतलब हुआ कि यहाँ यहाँ पुरुष नहीं बैठेगा, 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 ये बगल में बैठेगा नहीं। आगे बढ़ जाओ। अब कहता है एडवर्ड अमिता के बाई ओर। अब यहाँ से आपको एक लिंक मिला, एडवर्ड अमिता के बाई ओर, किसकी बाई ओर, अमिता के बाई ओर तथा चंदा के सामने है। तो अमिता के बाई ओर कौन, एडवर्ड, तो अमिता कहीं बैठा लो, चलो यहाँ बैठा लिए अमिता। तो अमिता का बाई ओर कौन है, एडवर्ड है। तो एक बात बताओ, अगर अमिता यहाँ पर बैठी है तो जब ये यहाँ बैठेगी तो बाया किधर होगा, उधर, हम इस हाथ से लिख रहे हैं तो बाया ऊपर हो रहा है, तो उसका मतलब इसका बाया उधर हो जाएगा और इसका दाया उधर हो जाएगा। आप खुद सोचना कि अगर हम यहाँ बैठेंगे और मेरे हाथ के अनुसार बाया किधर होगा, तो उधर होगा ना, तो उधर कौन है, एडवर्ड है। एडवर्ड अमिता के बाई ओर, तो इसका मतलब एडवर्ड हो जाएगा। उसके बाद तथा चंदा के सामने, तो इसका सामने किधर होगा, यहाँ हो जाएगा इसका सामने, इसका सामने यहाँ होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे चंदा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि देवेश अमिता और चंदा के बीच में, देवेश अमिता और चंदा के बीच में, तो चंदा यहाँ है, ठीक है, और अमिता यहाँ है। देखो ध्यान से, अमिता और चंदा, चंदा यहाँ है, अमिता यहाँ, और कौन, देवेश, यानी कि यहाँ देवेश हो जाएगा, देवेश, ठीक है। आगे बढ़ो, फरीदा एडवर्ड और भूपेन के बीच में, फरीदा किसके बीच, एडवर्ड और भूपेन के बीच, तो एडवर्ड यहाँ है और यहाँ पे आपको भूपेन लेना होगा, यहाँ कौन लेना होगा, भूपेन,
तभी तो यहाँ फरीदा होगा। अब देखो ध्यान से, फरीदा भूपेन, ये मतलब एक साथ नहीं बैठा है, दोनों पुरुष लड़का लड़की है, चंदा दवेश लड़का लड़की है, अमिता एडवर्ड लड़का लड़की है। अब एक बात बताओ, लास्ट में आपको क्वेश्चन का लास्ट में बोलेगा तो बताएं कि फरीदा के दाएं कौन बैठा है। फरीदा कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है दाया। अब देखो दाया, अगर फरीदा ऊपर बैठा है तो दाया किधर होगा, इधर होगा। अगर आप इस तरह बैठ जाते हो और अपने हाथ के अनुसार सोचते हो तो हाथ आपका दायां हाथ इधर जा रहा है तो यहाँ पर इधर जाएगा दायां, तो दायां इसका कौन हो जाएगा, एडवर्ड। इसका मतलब बी नंबर आपका आंसर सही होगा। इसी में पांच क्वेश्चन भी पूछ सकता था आपसे, तीन क्वेश्चन दो क्वेश्चन जितना आप बोलेगा आप बना सकते हो आप, क्योंकि ये आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। और इसको इंट्रोडक्शन को पढ़ के आप एकदम जैसे हो, देखो कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेगा, पहला लाइन पढ़ोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरा भी मैं भी नहीं आएगा, तीसरा हमें लिंक मिलेगा, तीसरा से चलना, फिर दूसरा मना, फिर पहला मना, ऐसे करके इसको बनाया जाता है। ऐसा नहीं सोचना कि एक एक कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं और शुरू से ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे रूल होते हैं, धीरे धीरे आपको समझाएंगे सारा चीज़। आपको करना क्या है अभी फिलहाल, इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और सारे टाइप जितने भी टाइप पढ़ाए हैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ से देख के कॉपी में नोट करके रखना है, या फिर आई बटन चेक करो वहाँ पर लिंक रहता है, वहाँ से देख के नोट कर लो, ठीक है। और कमेंट जरूर करो कैसा लग रहा है, ताकि हम आप लोगों की इसी तरह से और वीडियो ला पाएं। तो अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए तरीके के साथ और नए चैप्टर के साथ, लेकिन अभी सिटिंग रिजल्ट का हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डे फिर कुछ अलग ही करूँगा आप लोगों के सामने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊँगा, इससे रिलेटेड भी लाऊँगा और पूछे गए क्वेश्चन भी लाऊँगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए पूरा मतलब दिल से धन्यवाद, और पूरा सहयोग कीजिए, थोड़ा सा चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए यानी कि वीडियो को, और सब्सक्राइब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपके सामने मैं सिटिंग अरेंजमेंट की कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है मैं वो चीज़ बताऊँगा। क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने में काफ़ी तकलीफ हो, समझ में ना आए, लेकिन आपको एक प्रोसेस के तहत बनाना है। इससे पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन बताया हूँ, अगर वो क्वेश्चन आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन यानी कि टाइप वन का लिंक है, उसको जरूर देखिए, उसी से रिलेटेड है, वो काफ़ी आसान था, लेकिन अब धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले आसान सीखना पड़ेगा फिर आपको हाई लेवल के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो पहले मैं आसान सारे क्वेश्चन को बता दिया, कैसे सोचना चाहिए वो बता दिया हूँ, अब जो होगा थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करना है, लाइक करते तो काफ़ी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है और जल्दी जल्दी आप लोग की वीडियो बनाना चाहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में बनाते हैं और अगर आपके पास फिलहाल मतलब बाद में अगर आप इसको समय देते इस तरह के क्वेश्चन को तो ठीक है, स्टार्टिंग में जब बनाने का सॉल्व कर रहे हो रीजनिंग को तो पहले सारे क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व कर लेना है, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना है जब समय बचे तो, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर एक बार आपका गलती हो जाएगा तो फिर आपका समय ले लेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको बाद में सॉल्व करें। हाँ, प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छा है तो आप तुरंत एक ही बार में बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो इस सवाल को बनाएंगे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन को आराम से एकदम माइंड फ्रेशिंग माइंड में पढ़ना है, शुरू से डी ई एफ जी एच आई जे और के जैसे पढ़े, कितना हो गया, आठ हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, इसका मतलब वो सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, हम समझ गए कि उत्तर में यानी कि आपको तो पता होगा पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है और उत्तर उधर होता है, दक्षिण इधर होता है, ये तो आपको पता है यानी कि सबका मुंह उधर रहेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, मगर जरूरी नहीं किसी क्रम में, मतलब बोला क्या कि ये जो है डी ई एफ जी एच आई जे के, इसको एक के बार में ऐसा नहीं बैठा सकते, इसका नियम है, कुछ नियम नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ से ये हो गया इस क्रम में, अब पूर्ण विराम, अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके वो देगा और बोलेगा जी जे की बाई और पांचवा बैठा है, जी जी जे की बाई और पांचवा बैठा है। अब यहाँ पे देखो किसके बाई और, जे की बाई और। अब जब आठ आदमी होता है तो आप क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस तरह कर देते हो। ये रूल भी नहीं फॉलो करना आपको, ये भी आपको समय लगा देगा, ठीक है। सबसे फास्ट क्या करना है, जो बोला है कि जी जे के बाई और, तो आपको जे लिख लेना है कि ये मेरा जे हो गया, और इसे जे के बाई और कितना, पाँचवा कौन बैठा है, जी बैठा है, तो पाँचवा यानी कि अगर जी जे के बाई और अगर पांचवा जाना है तो देखो पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे क्या बैठेगा? जी बैठेगा। ये खुद हमको जो वो आप बिंदा लगा देते हो ना, हमको वो खुद सीट दे रहा, अरेंज करने के लिए हमको सीट वो दे रहा है, आपको खुद वो करवा देगा उतना दूर तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन काम होते जाएगा, कभी यहाँ पढ़ेंगे तो कभी यहाँ पढ़ेंगे, इस तरह से कर कर के आपको रिलेट करना होगा और आपको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, आसान होता है, प्रैक्टिस करिए आपका बनेगा। अब देखिए, अब आगे की अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक बैठा, जे पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। जे जो है, जैसे यहाँ पर पढ़े तो देखो कितने आदमी हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 8 आदमी बैठा ना है। फिलहाल जे के बारे में यहाँ से पता चला कि ये पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, इसका मतलब इधर एक आदमी बैठेगा, तभी तो 7 होगा, 8 होना है लेकिन फिलहाल 7 कर दिए। एक आदमी यहाँ से हम समझ गए कि जे को अंतिम में नहीं रखना, एक आदमी बैठा दिए, लेकिन एक और आदमी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो इसका मतलब अभी हमको उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए इतना दूर ही जितना पता होगा उतना ही करना है। आगे बढ़ो। अब देखो, तो आगे यहाँ पे आता है, जे पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखो, ई के दाई ओर तीसरा बैठा है। ई जो है ना तो कहीं ई मिला ना तो के मिला, ठीक है, तो इस लाइन को आपको छोड़ना पड़ेगा, फिलहाल इसको छोड़ दो। ई के दाई ओर तीसरा बैठा नहीं करना, ना तो जी और ना ही जे, ठीक है, एक निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ई के दाई ओर तीसरा बैठा है, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ पे कुछ छूट गया है, मिट गया है, देख लेता हूँ, रुक जाओ। हाँ, यहाँ पर ना के छूट गया है, के लिखना था, के ना तो जी और ना ही जे का निकटतम पड़ोसी है। कौन? के ना तो जी और ना ही जे, इसका मतलब ये हुआ कि के बगल में, यानी कि जी के बगल में यहाँ पर के नहीं हो सकता है, ऐसे करके कट करेंगे, यहाँ नहीं बैठा ना, या कट किया, इसका मतलब इसके बगल में नहीं बैठेगा। और अगर इधर आदमी हम लेंगे तो फिलहाल इधर यहाँ पर भी के लिख के आप कट कर देंगे, ठीक है, और ना के ना तो जी, जी के अगल बगल नहीं बैठेगा के, और ना ही जे का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जे के बगल में भी कौन नहीं बैठेगा? के नहीं बैठेगा, यानी कि यहाँ नहीं बैठेगा और यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, इतना तो हम लोग समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केवल एक व्यक्ति ई और आई के बीच में बैठा है, ई और आई के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है, ये हमको वो बता रहा है, लेकिन ये लाइन भी हम नहीं कर सकते हैं, यहां से हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है कहां बैठाना है, तो आगे बढ़ते जाइए। एच ई के निकटतम पड़ोसी में से एक है, देखो एच जो है ना ई का निकटतम पड़ोसी में से एक है, हमको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, ना तो हमको एच मिल रहा है ना ई मिल रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ जाओ, डी जी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखो यहाँ पर क्या बोला, डी डी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पर जी है तो जी के बगल में डी नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर भी डी नहीं होगा। ठीक है, अगर इधर आदमी रहा तो, फिलहाल हमको अभी साथ ही जगह दिए हैं, अभी इधर बढ़ेगा कि इधर बढ़ेगा वो भी नहीं पता है, तो नहीं पता है तो आप ऐसे पहला बार में ऐसे करोगे, फिर आओगे शुरू से पढ़ते पढ़ते। अब देखो, जहाँ छोड़े वहाँ जाओ, देखो यहाँ छोड़े हो ना, यहाँ कट किया, ई के दाई ओर तीसरा बैठा है। अब देखो, ई ई के की दाई ओर तीसरा बैठा है, तो के कहाँ हो सकता है? यहाँ पर इधर तो नहीं होगा, यहाँ भी के नहीं होगा, यहाँ भी के नहीं होगा, यहाँ भी के नहीं होगा, के कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, इन दोनों जगह में से कहीं पर के हो सकता है। अगर हम के यहाँ लेते हैं, अगर हम के यहाँ लेते हैं, रियलाइज करो कि अगर यहाँ के लेते हैं, रिस्क लेना होगा, दोनों में से किसी एक में तो लेना पड़ेगा, पहले के यहाँ लेते हैं, तो दाई ओर के दाई ओर तीसरा बैठा है कौन? ई। तो देखो, ई कहता है के दाई ओर तीसरा बैठा, के का दाई ओर, दाहिना अपने हाथ के अनुसार, देखो जो भी लेना है अपने हाथ के अनुसार, तो इधर हाथ होता है मेरा दाया, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ नहीं ले सकते हैं, यहाँ ई बैठना था नहीं ले सकते, इसका मतलब के यहाँ बैठेगा मेरा। ठीक है, और के दाई ओर पहला दूसरा तीसरा यहाँ कौन बैठेगा? ई बैठेगा। क्लियर है, फिर आगे बढ़ो। अब के ना तो जी और ना ही जे का, ये तो ठीक था, हम लोग ये कर दिए, के ना तो जी और ना ही जे का निकटतम पड़ोसी है, तो के जो है ना तो जी के बगल में दिए ना जे के बगल में दिए। ठीक है, केवल एक व्यक्ति, देखो इस लाइन को छोड़े, केवल एक व्यक्ति ई और आई के बीच में बैठा है, ध्यान से देखो, केवल एक व्यक्ति ई और आई के बीच में बैठा है, केवल एक व्यक्ति, तो देखो ध्यान से ई यहाँ पर है, अगर हम उधर आई लेते हैं इधर लेते हैं तो एक व्यक्ति बैठा नहीं पाएंगे, क्योंकि 8 आदमी में एक आदमी ही जगह खाली होगा, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, पहले हमको ये पता नहीं है, तो यहाँ पर देखो ई और आई के बीच में अगर एक आदमी बैठा है, ई और आई के बीच में एक आदमी बैठा, तो यहाँ आई हो जाएगा आपका, और देखो ई और आई के बीच में एक आदमी बैठा दिया। ठीक है, अब आगे आ जाओ,
अब यहाँ पे आ जाओ, डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी देखो डी जो है ना जी के बगल में नहीं बैठेगा, तो यहाँ यहाँ तो इधर तो नहीं है बैठाना फिलहाल, ठीक है, इधर अभी जगह हमको पता नहीं है, तो डी कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ हम बैठा सकते हैं डी फिलहाल, और आगे आ जाओ पीछे फिर चलो एक बार वहाँ से चलो स्टार्टिंग से। अब देखो अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 7 है हमको 8 बैठाना है, हमको अभी पता नहीं है कि कौन इधर बढ़ेगा किधर बढ़ेगा, तो शुरू से पढ़ेंगे फिर अब की बार आपको पता चल जाएगा कैसे। देखो ध्यान से ये ठीक था, जे पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा, यहाँ तक बढ़ा दिए, ई के की दाई ओर तीसरा बैठा है, ई जो है ना के दाई ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा बैठा है, और कहता है के ना तो जी, देखो के जो है ना ना तो जी और ना ही जे के पड़ोसी है, ना ही जे का पड़ोसी है, कहीं नहीं बैठा है। फिर आगे बढ़ते हैं, केवल एक व्यक्ति ई और आई के बीच में बैठा है, केवल एक व्यक्ति ई और आई के बीच में बैठा है, ई और आई के बीच में बैठा हो गया, एच ई का निकटतम पड़ोसी है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, इस लाइन पे ध्यान दो, एच ई का निकटतम पड़ोसी में से एक है, ये जो ई है ई के बगल में एच होगा, देखो आया यहाँ पे, ठीक है, इधर से हमको कोई मतलब नहीं था, इधर से कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर खुद आया इस लाइन को पढ़ने के बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ डी डी तो अब इधर नहीं, यहाँ डी नहीं बैठेगा तो यहाँ डी बैठ जाएगा, ठीक। अब देखो ए बी सी डी एफ जी एच एच जे के में आपका एफ अभी भी कहीं नहीं बैठा है, इसका मतलब यहाँ पे एफ बैठेगा, समझ में आ रहा है, आना चाहिए, बहुत आसान हो गया। तो इस तरह से आप रिलेट करके बनाओगे। अब लास्ट में इससे रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन दे देता है, ये SBI बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ, और ये 5 से 6 क्वेश्चन इस तरह दे देगा, कोई भी एग्जाम में देगा, बैंक लेवल का क्वेश्चन अगर आप बनाते तो किसी भी एग्जाम में कर देगा, तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे बोला अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो जी और एच, और ई नंबर ऑप्शन दिया है जी और एच, क्यों दिया, क्योंकि बैंक में 5 ऑप्शन रहता है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद डी जी का हाँ यहाँ पे देखो कहता है ई और आई के बीच कौन बैठा है, ई और आई के बीच में देखो ई यहाँ पर है और आई के बीच में कौन बैठा है, तो जे बैठा, तो जे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको काफ़ी तकलीफ होगी, समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान होता है ये सवाल, लेकिन प्रैक्टिस खूब रखना होगा, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा दिया फिर आप समझ गए अभी और एग्जाम में एकाएक आप बना लेंगे, ये आपके साथ नहीं हो सकता। आपको जब भी एग्जाम देने के लिए जाना हो तो इस तरह के क्वेश्चन को पूरी तरह अच्छे तरह से कवर करके, यानी कि आपको रिवीजन करके जाना है, और मैं आपको टाइप वाइज सब सिखा रहा हूं, आराम से सीखिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगा। तो हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद, आप एक बार फिर से इसको पढ़ के पूरी तरह बना के देखिए, आपसे बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा और पूरी तरह सब बात सीख जाएगा। इसी से रिलेटेड 6 क्वेश्चन देगा, 5 क्वेश्चन देगा, ठीक है, और बना सकते हैं। कभी बोला जे के बगल में कौन है, कभी लक्की और जे के बीच में कौन है, ऐसे रहेगा, तो आप बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसका अगला पार्ट जो होगा आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है।